गावे को तान होवै किसे तान, गावे को दात जाने निशान। जिस किसे मनुख नु समर्था हुंदी है, ओ रब दे तान नु गाउंदा है, भाव ओ दी सिफत सलाह करदा है, ते उस दे ओ कम कथन करदा है, जिन्हां तों उस परमात्मा दी वड्डी ताकत प्रगट हो। कोई मनुख उस दीआं दातां नूं ही गाउंदा है, क्योंकि इन्हां दातां नूं ओह रब दी रहमत दा निशान समझदा है। गावे को गुण वडियाईयां चार, गावे को विद्या विखम विचार। कोई मनुख रब दे सोहणे गुण ते सोहणियां वडियाईयां वर्णन करदा है। कोई मनुख विद्या दे बल नाल अकाल पुरख दे कठिन ज्ञान नूं गाउंदा है, पा शास्त्र आदिक द्वारा आत्मक फिलासफी दे औखे विषयां ते विचार करदा है। गावे को साज करे तनखे, गावे को जी ले फिर दे। कोई मनुख क्यों गाउंदा है? अकाल पुरख शरीरां नूं बना के सुआ कर दिंदा है। कोई इहों गाउंदा है, हरी शरीरां विचों जिंदा कढ के फिर दूसरे शरीरां विच पा दिंदा है। गावे को जापै दिसै दूर, गावे को बेखै हादरा हदूर। कोई मनुख आखदा है, अकाल पुरख दूर जापदा है, दूर दिसदा है, पर कोई आखदा है नहीं, नेड़े है, नेड़े है, सब थाई हाजर नाजर है, सब वेख रहा है। कतना कथी ना आवे तोट, कत कत कथी कोटी कोट कोट। करोड़ा ही जीवा ने बेअंत वारी अकाल पुरख दे हुक्म दा वर्णन कीता है, पर हुक्म दे वर्णन करन दी तोट नहीं आ सकी। पाप वर्णन कर करके हुक्म दा अंत नहीं पै सकिया, हुक्म दा सही स्वरूप नहीं लब सकिया। दिंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाहे खाहे। दतार अकाल पुरख सब जिया नूं रिजक दे रहा है, पर जीव लै लै के थक पैंदे हन। सब जीव सदा तो ही रब दे दित्ते पदार्थ खांदे चले आ रहे हन। हुक्मी हुक्म चलाए रा, नानक बिगसै बेपरवाह। हुक्म वाले रब दा हुक्म ही संसार दी कार वाला रस्ता चला रहा है, ते ओ परमात्मा ओ हुक्मी हुक्म विच चल रहे जीवा नूं देख के विकसदा है, प्रसन्न हुंदा है, खेड़े विच आंदा है।